इस पाकिस्तान और वेस्टइंडीज दरमियान 3 वनडे मैच सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाने वाला है। याद रहे पाकिस्तान ने इस 3 मैच सीरीज़ का पहला मैच अपने नाम किया था और 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। अब 2 मैच रह गए हैं। अमूमन जो हम देखते आए हैं, पाकिस्तान 3 मैच सीरीज़ में अगर पहला मैच जीत जाती है तो विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने पर फोकस करती है। आज भी आसार ऐसे ही लग रहे हैं, बट हम तफसीला जानते रहेंगे। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और दीगर एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगे। एक्सपर्ट का तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद होंगी। मोहम्मद हसनैन से मुतालिक भी बाय द वे एक पॉजिटिव खबर आई है, उनका एक्शन अब क्लियर हो गया है। कुछ माह पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैच खेल रहे थे तो वहाँ पर उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद से वो रिहैब में थे, अपने एक्शन पर काम कर रहे थे, वो क्लियर हो चुका है। हम आगे चल के अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करेंगे। भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं आज बाकायदा। जैसे कि मैं कह रहा था, अमूमन हम पहला मैच जीत जाते हैं तो विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखते हैं, लेकिन अगर हम विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार भी रखें तो भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सही कर और परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। भट्टी साहब जी, दानिश बिल्कुल, हमारे जो रिजर्व प्लेयर हैं जो बेंच पे बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल उनमें शाहनवाज दानी है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, जाहिद महमूद है और अब्दुल्ला शफीक है। मुझे लग नहीं रहा कि आज टीम मैनेजमेंट को चेंज करेगी, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो सीरीज जीतने का भी इशू है, फिर चूंकि वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भी पाकिस्तान के सर पे, वो भी तलवार लटक रही है, तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि आज कोई चेंज करे, अनचेंज स्क्वाड जाएगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस हारिस रऊफ दे रहे हैं, 10 ओवर में 77 रन, 4 विकेट, और हसन अली ने जिस तरह 10 ओवर में 66 रन दिए, मेरे ख्याल में अगर अब्दुल्ला शाहनवाज दानी या मोहम्मद वसीम को हम चांस दे दें, या फिर जिस तरह वेस्टइंडीज के बैट्समैन फंस रहे थे शादाब खान की लेग स्पिन बॉलिंग पे, अगर हम गर्म मौसम में 2 लेग स्पिनर खिला दें तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सारा कुछ टीम मैनेजमेंट पे लगेगा। मुझे लग नहीं रहा कि आज कोई तब्दीली करेंगे। देखिए, इससे पहले जो पाकिस्तान ने 3 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 मैच हार गई पाकिस्तान वनडे में, इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम 1 वनडे हार गए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 वनडे भी हार गए, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज गर्म मौसम के बावजूद टीम में चेंज होगी। राइट, भट्टी साहब कह रहे हैं गर्म मौसम के बाद शायद आज उनको नहीं लगता कि चेंजेस होंगी, बट सिकू अगर हम चेंजेस ना भी करें, जो हमारी प्लेइंग 11 पहले मैच में खेले हैं उसी में प्लेयर्स को सही तरह चांस मिल जाए, सही तरह यूटिलाइज हो जाए। जैसे मोहम्मद हारिस थे, उनका 4 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर था, वो 4 नंबर पे नहीं आए, अगर वो 4 नंबर पे आ जाएं एक तब्दीली आ जाती है टीम में, बज़ाहिर ही सही। बट खुशदिल शाह की भी बात की जाए तो उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई, ये 2 चेंजेस ही हो जाए ना, थोड़ा सा और बेहतरीन नजर आ जाएगी टीम। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हसनैन आ गए, आप खुश हैं, पूरा पाकिस्तान खुश है, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर PCB ने बड़ा उठाया हुआ है कि जी वो आ गए हैं वापस 100 क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे तो हैं, आप इनको मौका ही नहीं देते, मतलब वो अगर आकर फिट हो गया तो आप उसको खिलाएंगे? जो मिजाज है, जो जहन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया का तो सिस्टम लेकर आए, मगर ऑस्ट्रेलियन जहन भी तो लाएं, इतने एग्रेसिव तो हों कि देखें टीम ने हर एक ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस भी दी होती ना, हारिस ने भी और जो एक और लड़का जिसका थोड़ी सी पिटाई हुई हसन, अब इनकी अगर उसके बावजूद भी चेंज होना चाहिए था। सपोज करें उन्होंने 40-40 रन दिए हुए होते, सिर्फ 20-20 रन दिए होते 10 ओवर में, फिर भी आपको एक रोटेशन ऊपर नीचे करना चाहिए। उसकी वजह है कि हीट इतनी है, तो उसमें अगर आप कर भी देंगे कोई मुजायका नहीं है। मैंने पहले भी कहा था PCB को, दोबारा कहूँगा PCB से, कि भाई खुदा के वास्ते आप मैच फीस एक कर दें कि अगर हम रोटेशन पॉलिसी की बेस पे आपको चेंज करते हैं, ड्रॉप करते हैं या रेस्ट देते हैं तो आपको फीस मिल जाएगी। नहीं, मैच फीस का तो यहाँ पर मसला ही नहीं है ना भाई, अपनी पोजीशन खोने का मसला है प्लेयर्स को। भट्टी साहब बार बार कहते हैं कोई भी लड़का अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है दूसरा आके परफॉर्म कर देगा तो उसकी जगह चली जाएगी। आप मुल्क के लिए नहीं खेल रहे ना, वो ये बिल्कुल, ये सारे लड़के भी सियासतदान हो गए, कोई मुल्क के लिए नहीं है, मैं माजत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कोई भी सियासतदान मुल्क के लिए काम नहीं करता। इसी तरह ये क्रिकेटर्स भी हो गए। फिर आपका जो पहला सवाल था हारिस का, आई टोटली एग्री विथ यू, अगर वो उसको कम से कम अपनी जगह पे खिला दें तो हम खुश हो जाएंगे कि आपने कोई तब्दीली की। ठीक है, वी विल कम बैक टू दिस। आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, कोई शक नहीं है बाबर आजम एज अ कैप्टन इवॉल्व हुए हैं, शुरू में बड़े मसाइल नजर आते थे, अब काफी बेहतर नजर आते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड ये वो डिसीजन हैं कि खुशदिल शाह से बीच में 2-3 ओवर करा लेने हैं, थोड़ी सी मोनोटनी ब्रेक करनी है, स्पेशली अगर शादाब और नवाज को विकेटें नहीं मिल रही हैं, थोड़े से और बेहतर फैसले करने हैं, यंगस्टर पर थोड़ा सा और भरोसा करना है, थोड़ा सा अपनी दोस्ती से हटकर भी टीम के बारे में सोचना है, ये छोटी छोटी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाए तो और ज़्यादा निखार आ जाएगा पाकिस्तान टीम में। यकीनी तौर पर जो भी तबसरे हो रहे हैं वो बिल्कुल एक तरह से ठीक हैं,
लेकिन इसके साथ साथ हम बिल्कुल जो है वो बॉक डाउन हो जाएंगे हमारे प्लेयर्स अगर हम इतना उनको इस चीज पे क्रिटिसाइज करेंगे। बाबर आजम जो है वो T20 में और नंबर वन प्लेयर हैं इस वक्त ODI में, और जितना अच्छा वो खेल रहे हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। पॉइंट ये है दानिश के जो अच्छा कप्तान उसी वक्त बनता है जब वो बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग सेट और जो की मोमेंट्स होते हैं उसमें उसकी ग्रिप हो और उसको चेंजेस का पता हो। सीखते सीखते सीखेंगे और हो रहा है, और पाकिस्तान को फतूहत भी मिल रही है, तो दोनों चीजें ऐसी साथ साथ चल रही हैं। जिस तरह आपने खुद कहा कि इवॉल्व भी हो रहे हैं एज अ बैट्समैन, मेरा ज्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है दानिश के, देखिए 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान ने सिर्फ 14 ODIs खेले हैं 50 ओवर की जो क्रिकेट है, और उसके कंपेरिजन में वेस्ट इंडीज ने 30 खेले हैं, इंडिया ने 27 खेले हैं, साउथ अफ्रीका 26 खेला, बांग्लादेश ने 24 खेले हैं। तो हमारी ये जो ODI है जिसमें हमारा जो मेन प्लेयर है बाबर आजम, ये उनका सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन यहाँ पर है, जितनी शानदार उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। तो उसको देखते हुए एक तो वनडे हमारी होनी चाहिए, अभी देखिए श्रीलंका के खिलाफ भी हमारे जो मैचेस है वो स्क्रैप कर गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जितना आप ज्यादा वनडे क्रिकेट खेलेंगे एज ए कैप्टन भी, एज ए प्लेयर भी, तो उस तरह से ही आप सीखते जाएंगे जितना खेलते जाएंगे। जितना आप कम खेलेंगे, आप देखिए T20 पे चूंकि हम बहुत अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत मैचेस खेलते हैं। आलिया बिल्कुल सही बात है, आपको सिर्फ ज्यादा क्रिकेट नहीं क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है और अच्छी टीमों के साथ खेलनी है, तो ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। बटी साहब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और कप्तान प्रेशर महसूस तो करते हैं, शायद यही वजह है कि सकलैन मुश्ताक भी वजाहत पेश करते हैं कि हसन अली हमारा मेन बॉलर है, फिर बाबर आजम भी कहीं ना कहीं वजाहत देना ज़रूरी समझते हैं कि नहीं जी ये लड़के हैं हमारे पास, हमें इन पर कॉन्फिडेंस का इजहार करना है, तो ज़रूरत तो पड़ती है उनको वजाहत पेश करने की, यानी कि वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है। दानिश प्रॉब्लम तो बिल्कुल है, लेकिन वही मसला है कि हम हार से डरते हैं, हम ये चाहते हैं कि मैं अपने दौर में जितने मैचेस जीत जाऊं तो मेरी वाह-वाह हो जाए, बाद में जो आएगा वो खुद ही भुगतेगा। तो हम बेसिकली जो हार से डरते हैं, सख्त फैसले नहीं कर सकते। अब जिस तरह आपने मोहम्मद हारिस की बात की, नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर था, रमीज राजा ने कहा था कि ये फाइंड ऑफ दी PSL 7 है, लेकिन मोहम्मद हारिस ने T20 में परफॉर्मेंस दी, हमने उनको वनडे खिला दिया, लेकिन जो उसकी असल पोजीशन थी हमने उस पर मौका नहीं दिया, और बिल्कुल एज ऑफ द सीट हम पहुंच गए थे। खुदा न खासा नवाज या खुशदिल शाह में से कोई आउट होता है तो डेब्यू पे उसको वहां क्रंच मोमेंट पे बैटिंग करने के लिए कह रहे थे कि उस जगह अगर कोई आउट हो जाता तो हसन अली आते, फिर भी हारिस नहीं आते ना, फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, खिला रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में अगर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो फिर उसको ऊपर खिलाएं, और जो उसकी असल पोजीशन है आप देखें कि पेशावर जल्मी ने भी उनको ऊपर के नंबरों पर खिलाया था, नीचे नहीं उन्होंने खिलाया था, हमने उनको डेब्यू करवा दिया लेकिन अभी तक उनकी बैटिंग नहीं आई, तो आज उनको हर सूरत में इनको खिलाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल चांस ले लें, देखें नो डाउट बाबर आजम ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन ग्रेट क्रिकेटिंग ग्रेट वही है जो मैच को फिनिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये दोनों प्लेयर मैच को करीब लेकर जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मैचेस हैं जब इन्होंने मैचेस को फिनिश किया, तो मेरे ख्याल में इनको मैच खत्म करने की भी आदत डालनी होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान हैज़ बिन वेरी लकी कि डिस्पाइट अ स्लो स्टार्ट हमारा मिडल ऑर्डर या डेथ ओवर्स में कोई ना कोई आकर पाकिस्तान को अग्रेसिव बैटिंग करके मैच जिताता है रीसेंट टाइम्स में।